हाँ जी दास हाथ बन के ते औंदे परमात्मा रंगली दमाग चट का दे नामी मैं करी वेद ते ग्रंथ लिया के पाच ले अनेक मैं दा पाड़ ले बथेरा आल जप राज मैं डरी मोश काल नाल अंग विच दी जबान सीखी लै कपारो फैसला सखा दे ऐसे लै डरी बाबूजी ते मेर करो अपना समझ बच्चा ਰਾਜਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਵਾਈ ਕਰੀ ਸੋ ਸੋ ਪਾਰ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰੰਗਲਾ ਜਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਮੈ ਨਵਾ ਕਰਾ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਫੇਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਚਰਮ ਲੈ ਲੈ ਸੁਰਗ ਮਿਲਨ ਨਮਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗ ਤੋ ਹਰ ਸਜੂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਲਾਰ ਦੇ ਫਲਾ ਬਰਾ ਦਵਾਰ ਪਰ ਚਾਰ ਕਸਨਤ ਸਾਧਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਤਮੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਨ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਠੇਸ ਕਰ ਪੰਜਾ ਕੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਾਰ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਨ ਥੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ ਕਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੱਟਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਕੋਲੇ ਸਾਜਾ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟਿਆ ਚਿੱਟਿਆ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਅਧਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਜ ਚਮਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਲਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀਰ ਖਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸੱਚ ਤੇ ਅੜਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦ ਰੱਖੀ ਏਸ ਕਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੱਟਣੀ ਚਰਮ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਰ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ ਕਰਾ ਸੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਵਡਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾ ਦੁਸ਼ਾ ਦੇ ਸੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਰ ਵਾਲੇ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰ ਫਿਰੇ ਦੇਸ਼ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਕਰਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੱਟਣੇ ਜਰਮ ਵਾਲੇ ਫਿਰੇ ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ ਕਰਾ ਸਾਰ ਸਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ।
कि असी सिखां दे घरे जन्म लिया है। गुरमुख धन गुरु दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जिस टाइम दिल्ली के साका होया धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सीस कटिया गया ते भाई चेता पवित्र सीस नू लैके कीर्तपुर पुजा है। दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह कीर्तपुर आए हैं इतों आदम सत्कार सहित श्री आनंदपुर साहब लैके गए तो गुरमुख उस टाइम से धन गुरु दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह ने पूछना किया कि जिस टाइम यह साका होया भाई चेते नू पुछिया तो सिख किन्ने क मौजूद सन। गुरमुख भाई चेते नू सतगुर ने अपना भाई मान के बेटा रंगरेटे करके बेटे का खिताब दे के नवाजिया क्योंकि एक अपना पुत्र ही है जिहड़ा अपने पिता का इस टाइम पर साथ दिंदा है। गुरमुख धन गुरु दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह जी ने जो पूछा भाई चेते नू उत्थे सिख किन्ने क मौजूद सी तो भाई चेता कह लगा सतगुरु मैं कह नहीं सकता भी किन्ने सिख होणगे क्योंकि सब दे चेहरे मोहरे इको जिहे सन। तो दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह जी ने कहा भाई चेते दे नाल उत्थे गुप्त भेद खोले आ कि आने वाले समय के ऐसा खालसा साजांगे ऐसा सिख साजांगे जिहड़ा सैकड़ों के विच नहीं हजारों के विच नहीं लखा में खड़ा दूसरा भी वह गुरु का खालसा खड़ा है। गुरमुखो सतगुरानी 1699 की विसाखी का दिन मकर किया है खालसा पंथ की तीसरा पंथ साजन के लिए समुचे आल वर्ल्ड के रुके पत्र भेज दिते हैं पहले ही क्योंकि उन्होंने टाइमों के कोई आवाजाही के साधन उदा नहीं सन। तो गुरमुखो जिमें जिमें फरमान मिले है तो धन गुरु दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह का फरमान मिलन सार लहीर दिखा ने श्री आनंदपुर साहब को देखद्या देखद्या गुरमुख इकट्ठ होना शुरू हो गया श्री आनंदपुर साहब के विसाखी का दिहाड़ा आ गया। एक दिन पहला समुचिया सिख संगत इकत्र हुई ने इतिहासकार लिखते हैं कि 80,000 का इकट्ठ होया। अगली सवेर जोश भरिया तकरीर हुई ने वखरे वखरे विख्यान लगे हुए ने। गुरमुख धन गुरु दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह ने खुला पंडाल सजाया होया श्री केसगढ़ के किले के बाजा वाले पातशाह का एक वखरा तंबू लगा होया। दशमेश पिता जी ने नंगी तेग असमान लहरा के समुचिया सिख संगत जोश भरिया तकरीर कीतिया ते एक शीश की मांग की है कोई सूरमा कोई योद्धा उठे ते अपना शीश अपने गुरु को अर्पण कर दे। गुरमुख जो तो बाजा वाले पातशाह जी ने यह वचन किया सारी संगत श्रा ताश आ गया आयो जो कूटा तो सुनो प्रमाण लगा कर ध्यान सिखो गुरु घर दे तसीहे जांदे रात दिन झलदे औकड़ा भारी कोई उठे सूरमा जी गुरु का बेटा करे सर भेटा वार के जान लवे सरदारी। आओ प्यारे मित्र दशमेश पिता बाजा वाले पातशाह 80,000 के इकट्ठ में जिवें एक शीस की मांग कर लगे आओ वो सीन जिथे वाल आओ पेश किया जा रहा है। अनंतपुरी में रौनक वर्ण आकाशो नूर
मर्जी हो ना लोड़ पैसे आंदी लोड़ है सर्दी तांग सी चर्दी लगे अज ताज बड़ा चित चाजी हाथ में चमके तेग दो तारी कोई उठे सूरमा जी गुरु का बेटा करे सर बेटा मार के जान लवे सरदारी ओ शाद ना पतौड़ा क्यों रहे गबरा को लवो ना साको आरिया जन से मरन ना मन से सीनिया चर में कपर वो हो गया शरीर ठंडा लत्ता बहा मार के
लहू नाल लिपड़ एक तार लैके हाथ विच खड़े आ स्टेज ते क्रूस दुना तार के नित्रो मदान विच एक सीस होर चाहिए। बाबू जी कहन लगे गुरु ललकार के गुरमुख दया राम खतियों टब्बू विच लैके गए बाजा वाले पातशाह कहिंदे तलवार दा खड़ाक होया सीस तार तों अलग कीता है। बाजा वाले पातशाह हुण फिर दूसरी बार स्टेज ते आके खड़े हो गए। सतगुरां ने फिर उसी तरह जोशपुरी तकरीर की है कहते भाई सानू एक सीस होर चाहिए है। कोई सूरमा कोई योद्धा उठे जिसनों अपनी जान नहीं प्यारी थी अपना सीस अपने गुरु अर्थ कर दे। गुरमुख कहते तारम चंद जटा का लड़का उठ के खड़ा हो गया जिहड़ा कि हस्तनापुर तो आया दिल्ली के रहने वाला। बाजा वाले पातशाह जी ते अगे बेनती की सतगुरु पहला नंबर दया राम लै गया तो मैंने दूजे नंबर पर रख लो। वह दिल्ली तो चल के आया जिस दिल्ली के पहला तो लै करके धर्म का नरात्री नरात्र होया है। गुरमुख जिस टाइम सिकंदर लोधी सीगा तख्ते बैठा कहते पंडित बोधन का उसने शीस कलम किया सिर्फ एक गल की कि उन्हें सिर्फ इन्ना ही वचन किया बोधन ने कि जिते मुसलमान चंगा उत्थे हिंदू भी चंगा है। गुरमुख उसका शीस कलम कर दिता है। जिस टाइम औरंगजेब पातशाह तख्ते बैठा उसने अपने पिता शाहजहान को बंदी बनाया कारागार में पा दिता। गुरमुख अपने भाइयों का कतल करवाया तो होर अनेक ही धर्मी पुरश जिन्हें तशद्दुद किए। जिस टाइम पर हिंदू का धर्म निरातन होने लगा